एक खरगोश का पीछा करते करते कैसे एक राजा ने शहर बसाने के लिए जगह ढूंढ ली। कौन था वो ऋषि जिसकी धुनी पर राजा ने शहर का पहला महल बनवाया? ऐसा कौन सा महल था जिसे बनाने में राजा की 25 पीढ़ियां खप गई? और वो कौन सा महल था जिसे देख के शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बारे में सोचा? राजस्थान का ये शहर जहां ये महल मौजूद हैं, आज भी देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले उदयपुर की। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाय मीडिया की स्पेशल सीरीज शहरनामा, जहां हम आपको बताते हैं अलग अलग शहरों की कहानियां। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राणा जी के उदयपुर की। उदयपुर की कहानी शुरू होती है मेवाड़ की पुरानी राजधानी चित्तौड़गढ़ पर मुगल बादशाह अकबर के हमले से। 15वीं शताब्दी में महाराजा उदय सिंह जी का मेवाड़ पर राज था और उस समय अकबर मेवाड़ की राजधानी पर हमले की योजना बना रहा था, जिसने महाराणा उदय सिंह को चिंता में डाल रखा था। वे सोच रहे थे कि राजधानी को चित्तौड़ से बदलकर कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में कहीं बसाया जाए। इसी दौरान महाराणा उदय सिंह जी का अपने इष्ट देव एकलिंग जी के दर्शन के लिए कैलाशपुरी जाना हुआ। दर्शन करने के बाद उन्होंने शिकार किया और फिर वहीं पास में आयड नदी के पास डेरा डाल लिया। सुबह फिर जब लौटने का समय आया तो महाराणा के मन में विचार आया कि क्यों ना इस जगह एक महल का निर्माण किया जाए, ताकि जब भी एकलिंग जी के दर्शन करने जाया जाए तो रास्ते में एक आराम करने के लिए जगह हो। महाराणा के मन में विचार आया तो महल का निर्माण भी शुरू हो गया और देखते ही देखते मोती महल बनके तैयार हो गया। महल बनने के बाद एक दिन जब महाराणा उदय सिंह शिकार करने के लिए मोती महल में रुके हुए थे, तो वहां पे एक खरगोश आ गया। महाराणा ने उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करना शुरू किया और पीछा करते करते उदय सिंह जी एक ऋषि तक पहुंच गए, जो धुनी जला के उसके आगे बैठे थे। ऋषि का नाम था जगतगिरी जी महाराज। जगतगिरी जी ने महाराणा को देखा और मुस्कुराए। महाराणा उदय सिंह जी ने जगतगिरी जी को अपनी समस्या बताई और कहा कि इतने प्रयत्न के बाद भी नई राजधानी के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। जगतगिरी जी ने महाराजा को एक सॉल्यूशन बताते हुए कहा कि आप अपनी राजधानी इस धुनी पे बनाएं, और फिर उसी धुनी पे महाराणा ने अपने किले का निर्माण करवाया, जिसे समय के साथ मेवाड़ के अलग अलग महाराणाओं ने अपने हिसाब से परिवर्तित करवाया। कुल 25 पीढ़ियों ने मिलके इसका निर्माण किया है। इस किले को हम आज सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला है। इस किले को वहाँ पहले से मौजूद पिचोला लेक को और बड़ा करवा के उसके किनारे पर बनवाया गया था। आज भी इसे महाराणा उदय सिंह जी के वंशज युवराज लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ संभाल रहे हैं। इस पैलेस को अब टूरिज्म पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका कुछ हिस्सा डेस्टिनेशन वेडिंग्स और होटल पर्पस के लिए काम में आता है, जहां देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। इसी किले में म्यूजियम भी है, जहां महाराणाओं की पूरी वंशावली की जानकारी है, जिनमें खास तौर पर फोकस महाराणा प्रताप पर किया गया है। उनकी 35 किलो की युद्ध पोशाक आज भी यहां सिटी पैलेस में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अकबर के खिलाफ हल्दीघाटी युद्ध किया और वहां हारने के बाद भी अपनी पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ जंगलों से छुप के गोरिल्ला स्टाइल में युद्ध लड़ते रहे। महाराणा प्रताप के ही नाम पर उदयपुर को राणा जी का उदयपुर कहा जाता है। इसके अलावा उदयपुर के और भी नाम हैं, जैसे सिटी ऑफ लेक्स, द कश्मीर ऑफ राजस्थान, द व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान। उदयपुर में 7 आर्टिफिशियल लेक्स हैं, जिनमें पिचोला लेक, फतेह सागर लेक, उदय सागर लेक, दूध तलाई और जयसमंद लेक प्रमुख हैं। इन लेक्स को इलाके में पानी की कमी के कारण समय समय पर लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। इन लेक्स के कारण ही उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। जिस तरह भारत में सबसे खूबसूरत कश्मीर है, उसी तरह राजस्थान में सबसे खूबसूरत उदयपुर माना जाता है, इसलिए इसे कश्मीर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। और यहाँ हुए महाराणाओं ने समय समय पर उदयपुर में सफ़ेद मार्बल के किले और महल बनवाए हैं, जिसके कारण उदयपुर को व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। उदयपुर में काफ़ी अलग अलग राजाओं ने समय समय पर अपने हिसाब से महल बनवाए हैं। इनमें से एक महल है जग मंदिर, जिसे महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। यह महल लेक पिचोला के एक टापू पर बसा है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि जब बाद के समय में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई थी, तो एक बार जहांगीर से झगड़ कर उसका बेटा शाहजहां उदयपुर आया था, तो इसी महल में महाराणा जगत सिंह ने शाहजहां को ठहराया था। और ऐसा कहा जाता है कि वहां ठहरने के बाद ही शाहजहां के जहन में ताजमहल बनवाने का ख्याल आया था, और इसी महल को देख के शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था।
उदयपुर के महलों का इस्तेमाल फिल्म जगत में भी कई बार हो चुका है। कई बड़ी फिल्में जैसे यह जवानी है दीवानी, प्रेम रतन धन पायो, देवानंद की बहुचर्चित फिल्म गाइड, गोलियों की रासलीला रामलीला, यहां तक कि पूरी दुनिया में मशहूर जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म ऑक्टोपसी की शूटिंग भी यहीं हुई है। उदयपुर के महलों में बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को डेस्टिनेशन वेडिंग करना काफ़ी पसंद है। यहाँ शादी करने वाले लोगों में कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी की प्री वेडिंग भी यहीं उदयपुर के द ओबेरॉय उदय विलास और ताज लेक पैलेस में हुई थी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी रफेल उदयपुर में हुई थी और आप नेता राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी उदयपुर के लीला पैलेस में हुई थी। उदयपुर पहाड़ों और जंगलों के बीच में बसा हुआ है। इसके एक तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ कुंभलगढ़ का जंगल। यूं लगता है मानो प्रकृति की गोद में बसा एक शहर हो। यह थी उदयपुर की कहानी। आपको उदयपुर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया।